आजकल के जमाने में लड़के और लड़कियां रिश्ते बदलते रहते हैं। कुछ दिन एक लड़के के साथ में है, कुछ दिन के बाद में दूसरे लड़के के साथ में है या लड़की के साथ में, और कुछ कारण नहीं होता, रिश्ते बदलते रहते। मतलब एक साथ रहते हैं तब इतना, मतलब इतनी कसम खाएंगे, मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, वगैरह वगैरह सब कुछ बातें करेंगे, और फिर कुछ दिन के बाद में उनके साथ में और कोई पार्टनर दिखेगा और उसके साथ में भी यही डायलॉग वो चालू रखेंगे। तो वादे करना, कस्में खाना, ये बहुत फ्रीली मिलता है, इसके लिए कुछ इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता। देखो, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई वो कंपनी कैसी है, कौन प्रमोटर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है। मगर आप कोई रिश्ते में जाते हैं और हो सकता है कि एक बार रिश्ते में आप एंटर करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम भी होगा रिश्ता, तो फिर उसका बैकग्राउंड देखना जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन से कल्चर से लड़की आ रही है, उसके पेरेंट्स कैसे है, या लड़का, मैं जब लड़की बोलता हूँ तो आपने समझना कि लड़का भी है, कि भाई कौन से बैकग्राउंड से लड़का आ रहा है, उसके मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, इसका एजुकेशन क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, सब देखना जरूरी है। वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे सिवाय नहीं रह सकता, या तुम्हारे ऊपर मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं तो बिल्कुल मेरा दिल दे दिया हूँ, वगैरह वगैरह। तो अभी ये देखना जरूरी है कि भाई बोलने से वो करता क्या है, वो महत्व का है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो फिर कौन से ऐसे निशाने, फिर लोग बोलेंगे फिर ये कैसे पहचानना, पहले इसे कैसे मालूम पड़ेगा, जब रिश्ते में आएंगे तो मालूम पड़ेगा ना सब, तो नहीं, पहले एकदम रिश्ते में जाना और ठीक रिश्ते में जाना, उसके पहले थोड़ा थोड़ा उसका उसकी जानकारी लेना जरूरी है, जिसको बोलते सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग, थोड़ी जानकारी निकालना जरूरी है। नंबर एक कि भाई मतलब, और समझो हो सकता है कि आप रिश्ते में आए हैं, मगर डीप जाने के पहले तो आप जज कर सकते हैं कि इसमें अभी और ज्यादा घुसना है रिश्तों में, आगे के लाइफ के लिए सोचना है कि अभी इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं अपने को करना है, हेलो तक ही रखना है। अभी आपको फिर देखना है कि भाई नंबर एक इसमें के कुछ लक्षण आपको बताता हूँ, छह टिप्स है। तो छह टिप्स में से नंबर एक है कि भाई उसको आपकी परवाह है कि नहीं है, कि वो खुद की परवाह करते रहता है, खुद के बारे में सब बोलते रहेगा या बोलती रहेंगी, आपके बारे में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा 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 चालू रहेगा, और तुम जाओ गड्ढे में, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं है। तो एक ये हो सकता है नंबर एक। नंबर दो, वो लड़की देने में खुश है कि लेने में खुश है। यदि कोई लड़की मांगती रहती है मांगती रहती है मांगती रहती है और आपको डर है इसको मैंने दिया नहीं ना तो ये छोड़ के निकल जाएंगी, समझ जाना कि आज ही जाने दो। क्योंकि जब कंडीशनल है आपके साथ में फ्रेंडशिप और आपको लगता है कि ये मैंने दिया नहीं, सपोर्ट नहीं किया उसको, फ्री चार्जिंग कर दिया मोबाइल का या कुछ गिफ्ट दे दिया और वो नहीं देता हूं, तो ये निकल जाएंगी, तो आज ही जाने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा, आप यदि उसके साथ में जब रहते हैं तो क्या आप कंफर्टेबल है उसके साथ में, जो टाइम बिताते हैं आप खुश है, सुखी लगते हैं, रिलैक्स लगते हैं, कि जब उसके साथ में रहते हैं तो आपको बहुत बड़ी चिंता होती है, स्ट्रेस आता है, अभी क्या होगा मालूम नहीं, आज क्या होगा मालूम नहीं, अभी आज कुछ तो भी नया इमोशनली कुछ तो भी लफड़ा आएगा क्या, कितना स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब उसके साथ में जाना तो है मगर स्ट्रेस होगा क्या, क्या करेंगे वो, ऐसा ही आपको लगता है, तो वो भी एक तीसरी स्टेप है। पहला है कि भाई नंबर एक उसकी परवाह है कि नहीं उसको आपकी, नंबर दो देने में खुशी है कि लेने में खुशी है उसको, नंबर तीन उसके साथ में आप सुख में है, हैप्पीनेस है, रिलैक्स है कि नहीं है, नंबर चार वो कितनी झूठ आपसे बोलती या बोलता है, यदि वो झूठ बोलता है या बोलती है दोनों भी, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसको कुछ लेन देन नहीं है, मतलब आप आज ही इतना झूठ बोलती है और मतलब कुछ बोलने में अपन विश्वास नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं है, तो आगे चल के क्या होगा। तो हमको ये देखना है कि भाई कितना सामने वाला व्यक्ति झूठ बोलते रहता है, मेरा कॉल गया कॉल उठाया नहीं ठीक है मगर झूठ बोल रहे, बाद में मालूम पड़ा कि ये भलते कॉल चालू था मगर झूठ बोला मेरे से, या किसको रिस्पॉन्ड करना आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है और उसके बारे में झूठ बोलना, लेट क्यों आए उसके बारे में झूठ बोलना, और अपने को बाद में पकड़ में आता है कि इन्होंने झूठ क्यों बोला या क्या बोला। नंबर पांच जो है वो है कि समय आपके साथ में बिताना चाहता है कि नहीं चाहता है, और या किसी के साथ में बिताना चाहता है समय। पांचवा, जब आप उसके साथ में समय बिताते हो तो क्या आपको बोर लगता है या अच्छा लगता है। यदि आपको बोर लगता है और आपको लगता है कि ये कैसा कटेगा समय, तो समझ जाना है कि इसके साथ में अपन लंबे समय तक नहीं चल सकते। और छठवा, आपके अंतर्मन की आवाज, आपकी आवाज क्या बोलती है, नहीं बहुत प्यार है मैं उसके सिवाय नहीं रह सकता, मैं तो बस अभी तक एक ही व्यक्ति के ऊपर प्यार किया, अभी इसके बाद में तो प्यार करूंगा ही नहीं, वगैरह वगैरह सब ठीक है,
मगर अंतर मन की आवाज क्या बोलती कि नहीं मैं लंबा नहीं चल सकता, मैं रह सकता नहीं हूं, मगर इसके साथ में शादी करूंगा तो तकलीफ वाला काम हो जाएगा। मतलब ऐसा अपने को कहीं ना कहीं क्या होता है कि कुछ तो भी ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे महत्व की जो अंदर मन की आवाज है जो आपको बोल रही है कि नहीं आगे मत बढ़। फिर इधर कितना भी ऐसा लग रहा है लगा हुआ है, बाहर से कितना भी लगता है रह नहीं सकते वगैरह वगैरह, कितना भी मतलब उसके मिलने के लिए उत्सुक है आतुर है जो भी कुछ है, मगर अंदर से कभी तो भी लगता है कि नहीं नहीं कभी तो भी कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएंगे, ऐसा कभी लगता है आपको तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये छह बातें आप ख्याल में रखते हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि भाई ये सच्चा रिश्ता है कि नाटक चालू है या इसमें आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ने का है। थैंक यू वेरी मच।